आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। संसार में कठिन से कठिन पदार्थ का शोध किया है और भगवान की वाणी में भी आया है कि वज्र से बढ़कर के कोई भी कठिन पदार्थ नहीं है। वज्र के माध्यम से कठिन पाषाण खंड को भी टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं और वर्तमान में आप लोगों ने देखा भी होगा पाषाण के बनते हुए श्री जी और आयतन आदि देखने से ज्ञात होता है। किंतु जब हम दूसरे बिंदु से जानते हैं, दूसरे अंश से उसको देखते हैं तो यह बात सही नहीं उतरती। वह सबको टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर कर सकता है निश्चित, किंतु अग्नि की गोद में उसको रखा जाए तो फिर देखा जाए वह वज्र भी एक प्रकार से पानी पानी हो जाता है। इस वज्र के भस्म भी बनाए जा सकते हैं तो उस भस्म के सेवन से भी हमारे रोग ठीक हो सकते हैं, किंतु हमारे पेट को कुछ भी धक्का नहीं लग सकता। इससे ज्ञात होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से भिन्न भिन्न पदार्थों को में अनेक प्रकार के परिणाम हो जाते हैं। इसलिए हम अपने परिणामों के माध्यम से और अपने आप ही निर्णय न लेकर के आगम के आधार से यदि सोचते हैं तो वज्र से कई गुना आत्मा के पास भी शक्ति विद्यमान है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से उपयोग करना हमारा कर्तव्य होता है। जानकार व्यक्ति ही इस बात को, इस रहस्य को जान करके विश्व के सामने रखते हैं और विश्व के सामने आज तक रखते आए हैं। अब हम इसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, स्मरण में रखते भी हैं, किंतु फिर भी हम उसका उपयोग, उसका प्रयोग नहीं करने से उससे लाभान्वित नहीं होते। यदि आप उससे भी बढ़कर के अपने आत्मा में शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं में, अन्य जगह इत्यादि में अपने मन वचन काय की चेष्टा बल खर्च न करके सही दिशा में करेंगे तो आपको अनंत गुना लाभ
उससे उपलब्ध हो सकता है। यह हम गुरुओं के मुख से सुन करके आए हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन उससे लाभ कितना होता है हम लोगों को हमें ज्ञात नहीं। इसलिए अपने समय का उपयोग उसके लाभ के लिए ही करना हमारी बुद्धिमत्ता है, और सुनना उसका सार्थकता ही उसकी सार्थकता इसी में है। क्योंकि हम यहीं से गए थे, पुनः लौट करके यहीं से आना आए हैं, लेकिन ताली नहीं बजाओ, यहीं पर रहना किसी को भी नहीं है, किंतु सबको घूमना है। अब वह घूमना भले ही आप शाम के समय पर अच्छा मानते हो, लेकिन शाम के समय पर एक घंटा दो घंटा घूमो तो माथा चक्कर खा जाता है। आज तक हमारा माथा चक्कर ही खाता आया है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते हैं, जैसे आपने अपने आप को उससे बिल्कुल आत्मसात कर लिया, वैसे हमें भी शक्ति मिलती जाए। उसी के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आज यह इस शताब्दी का एक मास वैशाख मास माना जाएगा, जो इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाया है। यहाँ पर अभी लू लखन चलने वाला देश है, छत्तीसगढ़ तो प्रसिद्ध है, किंतु लगभग 24-25 दिन तक लगातार यहाँ पर उस लू के स्थान पर बर्फ के एहसान वह अनुभव हो रहा है। ये सब उस महोत्सव का ही एकमात्र परिणाम है। बाजा बजाता था, विद्युत का प्रबंधन था, चारों तरफ से हवाएं चलती थीं। इन सब में विहार भी चलता था। अपने जीवन काल में ऐसे वैशाख में सर्दी का, शीतलता का अनुभव करने का यह प्रथम वर्ष है और प्रथम मास है। जाते समय यहाँ के लोगों ने कहा, महाराज गर्मी का समय है, वहाँ पर जाने के उपरांत वर्षा का प्रकोप होगा, हाँ होगा तो थे, आपको भी सोचना चाहिए ये मंदिर को पूर्ण करोगे क्या नहीं। तब हाँ नहीं करना है, तो यहीं के उस सज्जन ने जो दुर्गवासी बाबूलाल जी हैं, हाँ हाँ कि तेल के बहुत बड़े व्यापारी उत्पादक थे, उनके सुपुत्र भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले थे, उन्होंने एक 10-11 फीट का पीतल का, उसमें भी ताम्र का बाहुल्य मूर्ति का निर्माण किया। उतने ही भार का एक कमल का भी निर्माण किया, उसके ऊपर
श्री जी की रख करके उन्होंने अपने आश्रित जो कुछ भी काम था उसको पूर्ण कर लिया। दूसरा काम उनकी संतान के ऊपर या उन्होंने जिसको दायित्व दिया था उनके ऊपर छोड़ करके, शरीर की नश्वरता के कारण उसको छोड़ करके सद्गति को प्राप्त कर ली। उसी प्रकार उनके पुत्रों ने पाठ्यभूत हैं, उन लोगों ने यहाँ पर चंद्रगिरी में एक विशाल काय प्रतिमा का, पाषाण का, 21 फीट का निर्माण करके चंद्रप्रभु नामों लिख के करके रखा है और जोर शोर से इस अमरकंटक के कार्य को देख करके इन लोगों ने भी प्रतिज्ञा कर ली, कमर कस लिया है और उसको कार्य को बहुत जल्दी से जल्दी करना है। इसने सभी को अपने अपने तन मन धन लगा करके कुछ भविष्य संबंधी अर्जन करना है तो देख लो, नहीं है तो कब कौन सा काल आएगा जो अर्जित है वह विसर्जित हो जाएगा, फिर बाद में आप क्या करोगे। इसलिए संक्षेप से इतना कहता हूँ कि हमारा भी इसमें जितना कर्तव्य था उतना कर लिया, अब आगे का काम आगे आपके हाथ में है। धन्ना, सुन रहे हो, धन्ना लाल सुन लेगा तो वो जल्दी काम होगा, मुन्ना लाल सुनेगा कुछ नहीं होने वाला है। इतना ही कह करके आज आए, ऐसा नहीं समझना महाराज आ गए अब तो बिल्कुल हमारे हो गए, जब अभी तक तो पराए थे, अब एक अपने गली में आ गए तो बिल्कुल हमारे महाराज है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, ऐसा न करियो। किंतु कर्तव्य का पालन करोगे संभव है, लेकिन अभी एक प्रकार से मई है, पूर्ण होगा नहीं अप्रैल, तो हाँ तो मई और जून दो महीने हैं, ये एक प्रकार से कहीं भी आ सकते हैं जा सकते हैं। कौन आप नहीं, आपको तो यहीं पर चातुर्मास है, आठ मास करना है, हम तो चार मास करते हैं, तो आप लोगों को अब आठ मास क्या, बारह मास करके और अच्छे ढंग का कुमकुम पत्र सबको भेज देना है। कुमकुम पत्र समझते हो, ये एक प्रकार से कुमकुम पत्र मांगलिक पत्र माना जाता, महोत्सव का माना जाता, शादी ब्याह विधान आदि का माना जाता, आमंत्रण दिया जाता, बार बार बुलवा होता है, बार बार चलवा भी होता है, तो उसी प्रकार हमें भी यदि बुलवा हो तो देख लेंगे, लेकिन पक्का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और भी इस चौकले में जनता है और यहाँ इधर से रायपुर के उस ओर तक हम पहुँचे थे, बिलासपुर होकर के उधर आगे बढ़े थे, तो ये सारे सारे लोग भी लगे हैं, उनका भी जैसा भाग्य है अच्छे, उन लोगों ने भी तन मन धन लगा करके किए हैं और पात्र के अनुसार ही उन्होंने इसका निर्माण भी किया है, अल्प समय में
बिना आप लोगों से मांगे, आप लोग तो मांगते हो है? नहीं नहीं महाराज, हम मांग करके पहले अपने से निकाल लेते हैं ताकि सामने वाला भी व्यक्ति धन्नालाल बन जाए। अहिंसा परमो धर्म। प्रसंग का मंगल प्रवेश हो रहा था तो कुछ लोग नारे लगा रहे थे, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। क्या कह रहे थे? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और भी कह भी रहे थे कि जियो और जीने दो, महावीर स्वामी के संदेश, सभी नारे लगा रहे थे। तो कल सभी पूरा छत्तीसगढ़ इकट्ठा हो गया था डोंगरगढ़ में, और पूरी जैन समाज ही नहीं, पूरे अजैन लोगों ने परम पूज आचार्य महाराज जी की भव्य अगवानी करके एक अहिंसा धर्म की अलग जगाई थी। कल महीने का प्रारंभ भी हुआ था, जिसको एक तारीख बोलते हैं, श्रम दिवस, मजदूर दिवस जिसको कहते हैं ना। तो दिगंबर साधु के लिए श्रमणी कहा जाता है, जो श्रम करे सो श्रमण, हमेशा अपनी आत्मा में श्रम करते रहें, हम इसे आत्मा का चिंतन करते रहे ना, वह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। हमेशा जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं वही श्रमण कहलाते हैं, वही तपस्वी कहलाते हैं और वही श्रम कहलाता है। तो कल एक तारीख थी महीने की प्रारंभ हुआ, और सप्ताह का प्रारंभ कब से होता है, कौन दिन से होता है? सोमवार से होता है। तो कल सोमवार सप्ताह का प्रारंभ हुआ था, और कल नया महीने का भी चालू हुई थी, और चंद्रगिरी में भी पुनः प्रवास का पहला दिन प्रारंभ हुआ था। सभी ने निवेदन किया था गुरुदेव से, तब गुरुदेव ने कहा था ये अनादि काल से जीव तो घूम ही रहा है, हम भी घूम रहे हैं, घूमते घूमते कभी मध्य प्रदेश, तो कभी महाराष्ट्र, तो कभी छत्तीसगढ़। तो चूंकि कल प्रारंभ हुआ था सोमवार से, तो हम समझते हैं कि संसार में आज के समय कैसा हो गया व्यक्ति, आज का व्यक्ति थर्मस जैसे हो गया है। थर्मस होता ना, थर्मस तो बाहर से ठंडा दिखता है, अंदर से कैसा रहता है? इंसान भी ऐसे ही है, बाहर से दिखता तो ठंडा है, अंदर गुस्सा कैसी जल रही है, कोई पता नहीं चलता कि कैसा क्या है। इसलिए जब भी आप थर्मस को हमेशा ध्यान रखना, इसलिए भी उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है हम उसका उपयोग क्यों करें। थर्मस हमारे लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि उसमें तो जो गर्म वस्तु बनी रहती हैं, चाय है, दूध है, अन्य वस्तुएं, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो थर्मस तो अपने पास में रखो, थर्मस का उपयोग तो करो, पर थर्मस जैसे ना बनो। समझ में आ गया ना? थर्मस जैसे ना बनो, थर्मस का उपयोग तो करो, क्योंकि अपनी शुरुआत अच्छी हुई है। सोमवार 7 दिन होते हैं सप्ताह में, पहला दिन सोमवार हो गया, तो आज हम गुस्सा क्यों करें? क्योंकि ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रारंभ अच्छा होना चाहिए, शांत क्षमा भाव से, अच्छे उपकार के भाव से, गुस्सा करने से नहीं, क्रोध करने से नहीं। आज सोमवार है, पहला दिन है, हम गुस्सा क्यों करें? अब सोमवार के बाद आता है मंगलवार। मंगलवार कह रहा है कि सब काम मंगल होना चाहिए, अमंगल नहीं होना चाहिए। हम यदि गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, भिनभिनाते हैं जिसको बोलते हैं ना, और से अन्य प्रकार से झटपटाते हैं, तो ये हम अमंगल कार्य क्यों करें? क्योंकि आज का दिन तो मंगलवार है, ऐसा दूसरा दिन है ना, आज दूसरा दिन है ना, तो मंगलवार क्या संदेश दे रहा है कि हम सब काम मंगलमय करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, गुरु की आराधना करेंगे, और से आहार दान आदि भी दे करके। युद्ध जो अशांति का प्रतीक है, गुस्सा भी क्रोध भी अशांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जब भी गुस्सा आदि करते हैं तो शांति भंग हो जाती है। तो तीसरा दिन बुधवार आता है,
बुद्ध कहता है कि बुद्ध को युद्ध क्यों, इसलिए हम आज बुधवार को भी गुस्सा क्रोध नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। चौथा दिन आता है गुरुवार, गुरु कृपा का दिन है। कौन सा दिन है? गुरु कृपा का दिन है। तो संदेश हमको दे रहा है कि हम सब काम अच्छे अच्छे करेंगे, खराब काम नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु कृपा बनी रहेगी तो हमारे ऊपर सब काम हमारा अच्छा अच्छा ही होता चलेगा। अब पांचवा दिन आया शुक्रवार का, सबके दिन में आते हैं सप्ताह में 7 दिन, तो शुक्रवार आता है चलो भजन गाते ना, शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद बोलते ना। तो शुक्रवार का दिन हमको संदेश दे रहा है कि शुक्रिया का दिन है, धन्यवाद का दिन है, थैंक यू का दिन है। किसी को गुस्सा करेंगे तो थैंक यू कहेगा क्या वो? किसी को गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे और लड़ाई झगड़ा अशांति फैल जाएगी, तो सामने वाले को हमको शुक्रिया करना है, उससे हमको शुक्रिया का एक एक्सेप्ट करना है, हमको भी शुक्रिया बोले, धन्यवाद बोले। इसलिए आज शुक्रवार का दिन है, आज के दिन भी गुस्सा क्रोध नहीं करेंगे। अब छठवां दिन आता है, छठवां दिन कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार शनिचरी का दिन होता है, पूज्य विष्णु तीर्थंकर 1008 सुब्रत मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दिन होता है, तो शनिवार का दिन है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 7:30 ही शनि लगे रहते हैं तो सब काम गड़बड़ होता रहता है। अनादिकाल से जीव ने सेवा दूसरों के बुराइयों के, दूसरों के खराब काम करने के सब कोई काम किया नहीं है, क्योंकि बुरे काम किए हैं तभी तो हमको 7:30 शनि लगी है, कैसे लगती नहीं तो? जब पहले से इतने 7:30 जो शनि देवता लगे हुए आए हैं ना, हमारा सब काम बिगड़ ही रहा है, तो आज का दिन शनिवार है। जब पहले से शनि हमको लगे हुए हैं तो हम शनिवार को और शनि और क्यों चढ़ाएं, डबल शनि और क्यों चढ़ें? इसलिए आज शनिवार का दिन है, छठवां दिन है, तो हमको ऐसे शनिचर से बचना है। तो कैसे बचेंगे? हम शांत और अपने परिणामों को निर्मल रखेंगे, तो हमको ऊपर से और शनि ऊपर से उल्टा नहीं लगेगी, बल्कि जो शनि हमारे पर चल रही है, ग्रह दशा खराब चल रही है, वो भी ग्रह दशा हमारी ठीक हो जाएगी। इस छठवां दिन शनिवार का हमको संदेश दे रहा है, इसलिए आज के दिन हम ना गुस्सा करेंगे, ना क्रोधमान माया लोप करेंगे, अपने परिणामों को शांत रखेंगे। 6 दिन का कोटा पूरा हो गया, और 7वां दिन आता है संडे, रविवार छुट्टी का दिन होता है। तो छुट्टी का दिन किस लिए छुट्टी का दिन होता है? घर में आराम से खूब सो, 8 बजे सो के उठो, आज ना स्कूल जाना, ना ऑफिस जाना, ना कुछ करना है, दुकान भी नहीं खोलना है, आराम से खोलते रहो, इसके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। आज रविवार है तो वे बता रहा है कि आज छुट्टी रहेगी, गुस्सा करने की, क्रोध कसाय करने की छुट्टी रहेगी, लड़ने झगड़ने की छुट्टी रहेगी, आपस में बुराई करने की छुट्टी रहेगी, निंदा पुराण पढ़ने की छुट्टी रहेगी, पद्म पुराण पढ़ने की छुट्टी नहीं है, न हरिवंश पुराण न आदि पुराण, निंदा पुराण पढ़ने की छुट्टी है, क्रोध मान माया लोभ कसाय करने की छुट्टी है।